तो पी उत्तरी भाग के जो हमारे ईआरओ जो है अनिल काफ, इन्होंने अच्छी तरह से फेरे वाले के लिए इलेक्शन के लिए एक अच्छा जगह दिया है, अच्छा सॉल्यूशन दिया है। हर समय पे हमसे रिक्वेस्ट करिए, क्या आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, कुछ मदद चाहिए क्या चाहिए, ऐसे हर एक चीज़ से हमको एकदम एकदम ये कर रहे हैं हमको, इसके लिए हम पी उत्तरी भाग का धन्यवाद करते हैं। नमस्कार दोस्तों, शाखा नौ न्यूज़ में आपका स्वागत है, मैं खुशी नायक। आज हम आए हैं पी नॉर्थ में, पी नॉर्थ विभाग में, जहाँ पे इलेक्शन जारी है। मैं आपको बता दूं कि ये जो इलेक्शन हो रहा है ये फेरी वालों के लिए हो रहा है। इस इलेक्शन में जो है पात्र फेरी वाले हैं उन्होंने हिस्सा लिया है, 1200 मलाड के फेरी वाले हैं जिन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया है और वो आज सुबह से ही वोट कर रहे हैं। अब तक दोपहर के 1 बजे तक 350 वोटिंग की गई है और बाकी की जो वोटिंग्स है वो आज के दिन में की जाएगी। आपको बता दें कि ये जो फेरी वाले हैं इनके पास ये मुद्दा था इतने सालों से कि हमें जगह नहीं दी जा रही है, लेकिन अब इनको एक जगह मिलने की इच्छा है। इनको बता दिया गया है कि जो पात्र है उनको जगह भी मिल जाएगी। आगे जैसे प्रोसीजर्स होंगे सरकार के वो वैसे काम किए जाएंगे। आप पात्र वालों को आज यहाँ पे इस यदि में उनके नाम नहीं दिए गए हैं, आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो लोग और वोट के लिए आज सुबह से जो है वो लाइन में लगे हुए हैं। ये वोटिंग जो है वो आज हो रही है, रिजल्ट भी आने ही वाला था, लेकिन अब पता चल रहा है कि 1 महीना जाने वाला है। 1 महीने के बाद जो है ये रिज़ल्ट आएगा और 1 महीने के बाद में घोषणा की जाएगी कि यहाँ पे जो इलेक्शन है इसके अंदर जो पदाधिकारी है जो इलेक्शन में खड़े थे उसमें से विजेता कौन बना है। ऐसे में अब देखा जाएगा 1 महीने के बाद कि ये जो नया प्रोसेस है जो सरकार ने पहली बार किया है इससे क्या फ़ायदे होंगे लोगों को, इससे जो फेरी वाले हैं उनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, नुकसान भी आगे क्या होगा और पात्रता जो होगी इसके बाद उसके क्या प्रोसीजर होंगे ये भी थोड़े समय के बाद में मालूम पड़ेगा। पहली बार है इसलिए दिक्कतें हो रही है। साथ में हमने और एक चीज़ देखी कि जब हम अंदर गए थे तो ये है स्टैम्प मार के वोटिंग की जा रही है, बैलेट पेपर पे हो रहा है, तो इसकी वजह से भी जो है वो समय बहुत लग रहा है। अगली बार हो सकता है कि इसमें भी बदलाव आए और इतना समय ना लगे। आइए देखते हैं कि जो पदाधिकारी इलेक्शन में खड़े हैं उनका क्या कहना है, जो पदाधिकारी है जो वोट करने आए हैं उनका क्या कहना है। मुंबई महानगर पालिका के द्वारा मुंबई के अंदर फेरी वालों के वोटिंग देने का अधिकार माननीय न्यायालय ने दिया है और यहाँ पे 7 विभागीय डिवीजन है जो कि परिमंडल 4 के अंतर्गत हम अलर्ट पी विभाग के अंतर्गत यहाँ पे खड़े हैं। और यहाँ पे प्रत्याशी आप देख सकते हैं, हरिहर यादव है, ये मैडम सप्ता जी हैं, ये यहाँ पे सचिल भी है और यहाँ पे बहुत सारे रमजान जी हैं, बहुत सारे प्रत्याशी यहाँ पे खड़े हैं। और बताना चाहेंगे कि इसमें कई तरह के प्रत्याशी, सामान्य भी है, हैंडीकैप का भी है, महिला का भी, अलग अलग डिवाइड किया गया है। और पीछे बीएमसी है जिसके अंदर लाइन लगी है। आइए बात करते हैं कि पहले हरे जी, जो कि आप वरिष्ठ हैं फेरी वालों को लेकर के, इस चुनाव से फेरी वालों को क्या फ़ायदा होने वाला? सबसे पहला ये चुनाव हम लोगों की ज़िंदगी में ये फेरी वालों के लिए पहला चुनाव है। अभी तक फेरी वाले इधर उधर भटकते थे, उनको कोई रास्ता नहीं मिलता था, लेकिन भारत सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने और देश का सर्वोच्च न्यायालय ने ये आज यहाँ पर मौका दिया है कि फेरी वालों का भी वोटिंग चालू है। वोटिंग का अधिकार जो नगर पथ विक्रेता है, उपनगर पथ विक्रेता है, फेरी वाले हैं, उसमें जनरल फेरी वाले हैं, सामान्य फेरी वाले हैं, आरक्षित फेरी वाले हैं, वो सबका कमेटी बन करके जो है जाएगी, उपनगर की कमेटी, बॉम्बे की एफएक्स कमेटी, वो कमेटी जो चुन करके जाने के बाद फेरी वालों को न्याय मिलेगा। फेरी वाले भाइयों से मैं इतना ही विनती करना चाहता हूँ कि शांतिपूर्वक जो भी आपका पेपर है, पहले का पेपर है, आज आपने वोटिंग दिया, आप पात्र हो अपात्र हो, आप सब संभाल करके रखो और शांति से मतदान करने का काम करो। आपने मतदान किया, अगर हमको मौका मिला तो हम आपके लिए ज़रूर संघर्ष करके न्याय दिलाने का काम करेंगे। हमारे साथ में खड़े हैं अपना महिला से सविता जी है, स्वप्निल भाई है, अपने रमजान भाई है, ये सभी और भी कैंडिडेट हैं जो खड़े हैं, वो सब हम लोग मित्र हैं और सब हम लोग मिल करके फेरी वालों के लिए संघर्ष करेंगे। बाकी कैंडिडेट भी आए हुए हैं, उनका भी आप सुन लीजिए और सबको न्याय दिलाने का काम करिए। आपके माध्यम से, ये मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से,
फेरी वालों को न्याय मिले, मैं ऐसे ही शुभेच्छा देता हूँ। जय हिंद जय भीम। मैडम, फेरी वालों की तरफ से आपकी फेरी वाली हैं, आप कई सालों से धंधा लगाती होंगी, बाजी का फल तो कुछ भी हो, ये चुनाव होने से क्या आप लोग अधिकार मिलेगा ताकि फेरी वालों को न्याय दे सके? अगर जीत के आए तो न्याय जरूर मिलेगा। किस तरह का न्याय होगा? इतना तो कुछ लाइसेंस बिजनेस देंगे वो लोग, कुछ ये लाइसेंस ही अपने को जो दिया है सर्वे, वो लाइसेंस ही है एक तरह का। क्या होता है फेरी वाले फुटपाथ पे जब बैठते हैं तो उससे ट्रैफिक जाम होता है, लोगों का आरोप होता है, पुलिस प्रशासन भी बोलता है, आरटीओ भी बोलता है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं हूं मोहम्मद रमजान सरवैया और मैंने जो फॉर्म भरा है अल्पसंख्यक विभाग से भरा हुआ है। तो आपने जो सवाल किया उसका ये बात है कि लाइसेंस मिलने के बाद सबसे पहले ये जो इलेक्शन होने के बाद सबसे पहले प्रक्रिया होगी, कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी जो टाउन वेंडिंग कमेटी लाइसेंस इशू करने का काम करेगी और ये सिलेक्ट करेगी कौन से रोड पे लोग वेंडिंग कर सकते हैं, कौन से रोड पे नहीं कर सकते। हॉकिंग जोन बनाया जाएगा, नॉन हॉकिंग जोन उसके बाद डिक्लेयर किया जाएगा और उसके बाद ये जो अधिकार होगा ये सारे आ जाएंगे टाउन वेंडिंग कमेटी के पास। ये टाउन वेंडिंग कमेटी डिसाइड करेगी कहाँ पे हॉकर्स होंगे और कहाँ पे नहीं होंगे। तो इस इलेक्शन में जो जीत कर जाएगा वो टाउन वेंडिंग कमेटी का मेंबर होगा और फिर उसके ऊपर सारे कामकाज होंगे टाउन वेंडिंग कमेटी के। साजिद जी, आप भी प्रत्याशी हैं और पहले बताए किस उससे हैं, मतलब अल्पसंख्यक से हैं कि अनुसूचित से हैं कि हैंडीकैप्ट होंगे? मेरा नाम जो ये चुनाव का अधिकार आप लोगों को मिला, पहली बार मिला है और एक आशा की किरण है फेरी वालों में कि अब हम लोग को न्याय मिलेगा, तो किस तरह के अधिकार होंगे जो कि आप लोग न्याय दिलाएंगे? बहुत सारे पुलिस सताए जाते हैं, फेरी वाले आज भी सताए जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। सबसे छोटे व्यापारी फेरी वाले गिने जा रहे थे, आज पूरे महाराष्ट्र भर में मालूम पड़ गया कि फेरी वाले भी कोई एक प्लेटफॉर्म है। इसके लिए आपका पहले बात तो धन्यवाद। जिसमें आपने जो हमको सवाल किया, हम जीत के आने के बाद सबसे पहले हम जो मुंबई के अंदर 22,000 पात्र किए हैं उनको अभी मुंबई के अंदर जो कार्रवाई और जल्द से जल्द रुकाई जाए, ये हम पहले मांग करेंगे। उसके बाद जो करेंगे कि जो अपात्र हुए हैं उनको हम किस तरीके से लीगल कोशिश पे लेके आ जाएंगे, ये हमारी मांग रहेगी। जानकारी अभी मिला है कि जो नियम बन रहा है उसमें हाउसिंग भी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए है, तो ये किस तरह की उपलब्धि देख रहे हैं? ऐसा है कि इसके अंदर काफ़ी सारे है, अभी स्वनिधि योजना के अंदर 8 सारे अलग अलग कैटेगरी मिले हैं। जन धन योजना, स्वनिधि योजना है, ऐसे अलग अलग केंद्र सरकार की पॉलिसी इसके अंदर अटैच है, इसके माध्यम से उसके अंदर आ रहे हैं। और मैं परिमंडल 4 से खड़ा हूँ, हम काफ़ी साल से मेरी तीसरी पीढ़ी है रोड पर, हमने लाइसेंस देखते देखते आज हम लोग के आशिक की किरण ऐसे स्टेज पर पहुँच चुकी है कि कहाँ ना कहाँ महानगर पालिका को हमारी आवाज़ सुननी पड़ रही है। आज हम प्लॉट जीत के आते तो हमारी आवाज़ और प्लेटफॉर्म से हम वो अधिकारियों को बोल सकेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज? ये कहूँ सरकार की तरफ से जो ये काम हुआ है ये बड़ा अच्छा काम हुआ है और सरकार ने मतलब जो दिया है, जो इलेक्शन को आप लोगों को हक दिया है फेरी वालों को, ये बहुत बड़ी बात है। जीतने के बाद ये जो भी जितने कैंडिडेट सब जीतने के बाद मेहनत करेंगे कि सबके सबको रोजगार मिले। और आज नहीं, ये पहली बार गुडविल मिले लगे फेरी वालों को। 1980 के बाद पहली बार लाइसेंस जागने का मौका मिला है। 2014 में कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था इम्प्लीमेंट करो, बीएमसी अब जाके 2024 में कर रही है। तो ये फेरी वालों के लिए एक बोलते ना एक लॉटरी सिस्टम है, गुडविल है, उनकी तकदीर जाग रही कि उनको मिल रहा करके ने। और मैं तो बोलूँगा जितने भी लोग हैं, जितने सीनियर सिटीजन 75-80 साल के आदमी भी आ रहे जो अपनी उम्मीद जगा रहे ताकि अपने बच्चों का भविष्य अब सरकार के ऊपर है, बीएमसी के ऊपर है, जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई पूरी करे और फेरी वालों को न्याय दिलाए करके। धंधा करते हैं वहाँ पे फुटपाथ पे, इससे क्या आप लोगों को फायदा हो रहा है फेरी वालों को, जो बाकी उनके लिए क्या फायदा हो? फेरी वालों को तो फायदा तो कुछ नहीं है, समझे, नुकसान ही नुकसान है हर बात से, पर फिर भी कैसी भी जिंदगी जीना है तो जीना ही पड़ेगा। अब बाल बच्चों को पालना है, पढ़ाना है, तो फेरी का धंधा करना ही पड़ेगा, चाहे पुलिस लकड़ी मारे या बीएमसी भगावे, क्या यहाँ बैठे वहीं बैठेंगे जो समझे अब। और रही बात ये वर्षों से चलते आया और चलते रहेगा, अब अभी की जो कमेटी जो बनाए हैं कि हमारे जो 4 भाइयों है यहाँ से 5 भाई है, उनकी कमेटी बनाने के बाद इनके ऊपर जो वरिष्ठ जो दिया गया है वो देखा जाएगा आगे, हमारे वरिष्ठ को हम हैरान करेंगे कि अब इसका न्याय हमारे को आप कहाँ से दिला रहे हो, समझे। जय हिंद जय महाराष्ट्र। पुराने व्यक्ति हैं, क्या लगता है या फेरी वालों से, पहले फेरी वाले बहुत परेशान किए जाते, मलाड में तो देखा था मचा ट्रैफिक होती थी, पुलिस परेशान करती, आरटीओ परेशान करते, लेकिन आपको आशा किरण दिखाई दे रहा है कि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा? बिल्कुल आशा है और पूरे मुंबई में आशा है
कि कुछ ना कुछ सरकार करेगी और बड़ी जगह नहीं तो छोटी जगह देगी, 4x4 की देगी, 3x3 की देगी। ट्रैफिक है वो भी हम समझ सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक का वो भी एक मसला है कि जो दुकानदार है वो भी 15-15 फुट बाहर निकाल के लगाते हैं, उनको परेशान नहीं कर रहे। हमारे लिए पहला मौका है, आज मेरी भी जिंदगी रोड पे निकल चुकी है, और मालिक ने चाहा तो जितने भी फेरी वाले हैं सबको अन्याय मिले और अपना 3x3 का लाइसेंस मिले और अपना गुजारा करे, उतना ही बोल के मैं एंड करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पी उत्तरी भाग के जो हमारे ERO जो है अनिल काफ, इन्होंने अच्छी तरह से फेरे वाले के लिए इलेक्शन के लिए एक अच्छा जगह दिया है, अच्छा सोल्यूशन दिया है। हर समय पे हमसे रिक्वेस्ट करिए, क्या आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, कुछ मदद चाहिए, क्या चाहिए, ऐसे हर एक चीज़ से हमको एकदम ये कर रहे हैं हमको। इसके लिए हम पी उत्तर विभाग का धन्यवाद करते हैं। मतलब आप ये बताना चाहेंगे कि फेरी वालों के लिए जो चुनाव हो रहा है एक अच्छी व्यवस्था है उनके लिए, और एक जागरूकता है फेरी वालों में, बढ़ चढ़ कर लोग यहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई है। मुझे लगता है कि कम से कम 250-300 लोग अभी भी लाइन में है। मैं गोरेगांव भी जाके आया हूँ, वहाँ भी लंबी लाइन है शांति से। बताइए, मालड़ के अंदर लगभग 1200 मतदार है फेरी वाले, अभी सुबह से लगभग 300 से 400 हो चुके हैं, बाकी बहुत सारी लाइन लगी हुई है। तो हमारा कहना है कि आज शाम तक हम लोग 100% पे चले जाएंगे मतदार। इसके लिए मैं पी उत्तर का इतना धन्यवाद करता हूँ कि जितने मतदारों को इलेक्शन करने का उन्होंने जो एक गाइडलाइन बनाया था वो सक्सेस हो रहा है, और हम फेरी वाले का भी धन्यवाद करते हैं कि इसको माध्यम से आप हमारे इसके अंदर आए, मतदान किए और अपना हक बजा रहे। ये जो मतदान इसका रिजल्ट कब आने वाला है? इसका रिजल्ट आज शाम को 29 रात को आने वाला है। अभी उसके बाद क्या आगे का प्रोसेस है तो ERO बताएंगे। हमारे साथ में इस चुनाव में जागरूकता को लेकर के आए हैं और संतोष जी, आइए बात करते हैं कि इसमें किस तरह का आप देख रहे हैं लोगों के अंदर एक उत्साह देख रहे हैं, और चुनाव जो हो रहा है इसे किस तरह का संकेत मिल रहा है? संकेत नहीं मिल रहा, ऐसा है जब संजय निरुपम जी सांसद थे, लोकसभा सांसद थे, तभी उन्होंने ये 2014 के आसपास में सांसद में कि ये जो फेरी वाले ये भी कई सालों से वेटर धंधा कर रहे, आखिर अपना मेहनत करके पेट पाल रहे, गुजारा कर रहे, चोरी नहीं कर रहे, सिर्फ इतना ही था कि रास्ते पे बैठे हुए जो अनऑफिशियली पकड़ो कि जो नियम में नहीं बैठ रहे, तो उन्होंने एक पॉलिसी उस समय सांसद में पास करवाई दी कि इनको भी लाइसेंस इशू होना चाहिए। आज कई सालों से इनकी आज करीबन देख लेंगे तो इनको पीढ़ी ना पीढ़ी बैठी हुई है, बाप दादा परदादा से लोग बैठ रहे और अपना काम धंधा कर रहे, मेहनत करके अपना गुजारा कर रहे, तो उस पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, तो उस इम्प्लीमेंट के लिए फिर से इस पर जोर डाल के इन लोग ने अपने यूनियन के लेवल से, अपने सोर्स के लेवल से जो भी है BMC पे डाला, तो अब जो ये कमेटी चुनाव करके जो इसमें से जो भी कमेटी बनेगी BMC जो चुनाव लगेगी और उसके बाद जो इनको लाइसेंस इशू करना है उसके ऊपर जोर दिया जाएगा और उसके ऊपर अमल फास्ट अमल करने में आ जाएगा। हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं खुशी नायक, चिराग के साथ, शाकानो न्यूज़।